हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बाबा रामदेव जी ने जो लहसुन के आयुर्वेदिक फायदे बताए हैं उन्हीं के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लहसुन हमारे घरों में हमेशा ही यूज होता है, चाहे वो तड़का लगाना हो या सब्जी में डालना हो, लहसुन हम सभी यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, लहसुन के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों जैन धर्म में लहसुन खाने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जब आप लहसुन खाते हैं तो आपका दिमाग, जो आपकी दिमाग की शक्ति है, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे आपके शरीर में काम शक्ति बढ़ जाती है। इसी वजह से वे लोग इसे खाने से मना करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे सही मात्रा में और सही विधि से खाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। दोस्तों, हमारे प्राचीन आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है इसके फायदों के बारे में, इसके औषधि लाभों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। सबसे पहला जो इसका फायदा है दोस्तों, वो जान लीजिए। इसको अगर आप खाली पेट सुबह के समय हफ्ते में 2 बार लहसुन की कलियों को शहद के साथ अगर खा लेते हैं तो आपकी काम शक्ति बढ़ जाएगी। लड़का हो या लड़की, दोनों का ही आधे घंटे का समय बढ़ जाएगा, यानी कि आप आधे घंटे काम शक्ति को अपनी बढ़ा सकते हैं। जो लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वे 2 दिन शहद के साथ लहसुन की 2 से 3 कलियां खा लें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जिन लोगों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, काफ़ी देर तक नाइटफॉल होता रहता है, वह लोग लहसुन की 1 कली खाकर रात को सो जाएं, उनका नाइटफॉल सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही बंद हो जाएगा। लहसुन खाने से जितनी भी लोगों की ये प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रात को सोते समय अपने शरीर में लगा भी सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं भी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप सीधा उसी के ऊपर इसको रगड़ के लगा दें, इससे बहुत ही गजब के औषधि लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये तो औषधि रात की, आप सुबह की भी जान लीजिए। अगर आप सुबह सुबह इसकी 2 या 3 कलियां खाली पेट खा लेते हैं दूध के साथ, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शरीर में पावरफुल एनर्जी बढ़ेगी, आपके शरीर में सिमुलेटर बढ़ जाएगा, जिससे उत्तेजना जो क्षमता है ना आपकी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। बस दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इसका प्रयोग करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैन धर्म के लोग इसको मना करते हैं क्योंकि ये आपकी काम शक्ति को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए आप इसका हमेशा नियमित सेवन कीजिए, ज़्यादा नहीं खाना है आपको। दोस्तों, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।